मोदी। बुरी चीज मोदी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, वो लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं क्रिकेट को देखने के बाद। चल झूठ। मेरे ख्याल से उनमें नेगेटिविटी पाकिस्तान के लिए ज्यादा है। दो फिटे मुँह तुम्हारे ऊपर कि तुम जो है वो टीवी तोड़ने बैठते हैं, उनको बहुत वो ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। बुरी चीज बस मुझे ये लगती है कि आई थिंक बहुत एक्सट्रीमिस्ट है। बोलूं कि भाई मैं हिंदू हूँ और मैं इंडिया में आई हूँ तो वो मुझे धक्के मार के निकाल देंगे। इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट अपने जो हीरोज को लेकर है, मतलब कुछ भी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पेशावर की एक मस्जिद के अंदर एक धमाका हुआ जिसमें बहुत सारे नमाजी नमाज पढ़ रहे थे। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जब तक 32 बेहतर हुरों के सफर के लिए रवाना हो चुके हैं और इंजरी काफी लोगों को ज्यादा हुई है, तो ये संख्या बढ़ सकती है। क्या बात कर रहे हैं? तो सप्लाई में कोई कमी नहीं है, आने दो सबको। बारी बारी से आने दो। ये पाकिस्तान में होना एक मामूली बात है, आम बात है। वहाँ के लोग भी एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। कोई नहीं है, रोज होता है हमारे शहर। कोई बात नहीं, कोई बड़ी खबर हो नई खबर हो तो सुनो। खैर ये पाकिस्तानियों को आसमानी ज्ञान है, उन्हीं पे फट रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारी तो कोई गलती नहीं है। बात तो सही है। इन पाकिस्तानियों को आटा मिल नहीं रहा है, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए नवाज शरीफ ने, डॉलर तो भैया चांद पे पहुंच गया, इनका रॉकेट तो पहुंचा नहीं है लेकिन डॉलर जरूर चांद पे पहुंच गया। डॉलर 250 क्रॉस कर चुके हैं। महंगाई ने हाई तोबा मचा रखी है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लेकिन ये कौम ऐसी है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये आप चैनल देख रहे हैं, ये वही चैनल है जिसके रिपोर्टर के साथ में इमरान खान के गर्मा गर्म मसाले लीक हुए थे, आयला मलिक, और पाकिस्तान का बहुत पुराना चैनल है। इस चैनल ने लेटेस्ट कल ही एक पब्लिक रिएक्शन अपलोड किया, आप इन पाकिस्तानियों की राय सुनिए, आप हैरान ना हो जाए तो सारे पैसे वापस। well done. कोई एक चीज जो इंडिया की आपको बुरी लगती है? The entertainment industry. मोदी। बुरी चीज मोदी। वाह मोदी जी वाह। मोदी तो बुरा लगेगा ना भाई, कटोरा जो पकड़ा दिया हाथ में। वो लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं क्रिकेट को देखने के बाद। अच्छा। जो है वो टीवी तोड़ने बैठते हैं, झूठ बोलो, उनको बहुत वो ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, बार बार झूठ बोलो। उनको चाहिए स्पोर्टिंग के लिए, हार जीत होती रहती है, दे शुड टेक इट एज वेरी स्पोर्टिंग लीग के भाई होता रहता है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। ओ मेरी बहन, टीवी तोड़ने में पाकिस्तानी मायर है। और नहीं तो क्या, 30 साल के अंदर एक बार तो तुम वर्ल्ड कप में जीते हो हमसे, तो टीवी कौन तोड़ते हैं, पाकिस्तानी की हिंदुस्तानी? अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लो मेरी बहन, टीवी तोड़ते हैं बताओ। पढ़ा हुआ देखते भी मुसलमानों पे बहुत ज्यादा किया जाता है, तो इंडिया में नहीं होना चाहिए। हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान में होता है, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाती है, वैसे इंडिया में भी मुसलमानों की और हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वा, 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 वा। और ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, इनके हाल ये है। तोबा, तोबा। अपने वहाँ हिंदुओं को 26% से 1% पर ला के पटक दिया और अभी भी सिंध में बेटियां उठाई जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जुल्म नहीं होना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? भाई कोई जुल्म नहीं करता, यहाँ पे खुले सांड की तरह घूमते हैं, आके देखोगा भी। एक्सट्रीमिज्म बहुत है, वेरी एक्सट्रीमिस्ट उनके, आप लोग खुद मीडिया के आपको बताओ कितने उनकी मीडिया कितनी एक्सट्रीमिस्ट है। अगर मैं इंडिया जाऊँ बोलूँ कि भाई मैं हिंदू हूँ और मैं इंडिया में आई हूँ, तो वो मुझे धक्के मार के निकाल देंगे कि नहीं तुम पाकिस्तानी हो। अच्छा। द हेट दे हैव फॉर अस समथिंग के नहीं होना चाहिए, नहीं पसंद, क्योंकि हमारी तरफ से उनको कोई हेट नहीं है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे वहाँ से लोग आए हैं और हमारे पाकिस्तानियों ने उन्हें बहुत अच्छे से वेलकम किया है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो आप मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। उनकी बहुत खातिरदारी की है, उन्हें बहुत प्यार दिया है। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। अगर आप पाकिस्तान से इंडिया आओगे तो आपको कोई भी धक्के नहीं देगा, आपको बड़ा इज्जत और मान सम्मान दिया जाएगा, लेकिन आप तो ठहरे जिहादी पाकिस्तान के नागरिक और जिहादियों को हिंदुस्तान भेजा नहीं देता। तो आप उधर से बैठ के टीवी में मोबाइल में ऐसे इंडिया देखो, ठीक है। मेरे ख्याल से उनमें नेगेटिविटी पाकिस्तान के लिए ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान के लिए, इंडिया पाकिस्तान से इंडिया के। ओ भाई, सारे के सारे जहरीले नाग पाकिस्तान में और नफरत हिंदुस्तानियों में भरी हुई। जाओ बे आटे वाटे की लाइन में लगो, मिल नहीं रहा, 170 के ऊपर चला गया है, रो रही आवाम। चलो इंडिया में कहते हैं कि भाई इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है, वहाँ पर आटा आपको पता कितने का मिल रहा है, 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा है। नंजा गल्ला ने झूठ बोल देने, बगारते के ने सारे बगारते के ने, मैं बिचे चीफ जस्टिस नू, बिचे फौज नू, बिचे इमरान खान और सारे नू कहना, ओए सारे चोर है के जो, ओए सारे चोर। इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट अपने जो हीरोज को लेकर है, लाइक अगर वो हार जाए तो वो धोनी के घर पे या कोहली के घर पे जो जाके वो पत्थर वत्थर मारते हैं। कोई सेंस है इस बात की? तो ये ना हो बस, बाकी वो मतलब अपने हीरोज को सपोर्ट करें बस, वो बुरे टाइम्स में भी। अब तो सच बोल दे।
कौन चलाता है तुम्हारे पाकिस्तान में ऐसी खबरें कि धोनी के घर पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, कोहली के घर पत्थर फेंके जा रहे हैं? पता नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मैंने आज तक खबर नहीं सुनी है। हाँ, उनके फैंस जाते हैं उनको देखने के लिए, उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए, उनकी खुशामदीन करने के लिए। हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता ये सब जो तुम्हारे पाकिस्तान में होता है। The hatred it is portrayed for Pakistan in their movies. बुरी चीज बस मुझे ये लगती है कि I think बहुत extremist है। Control. मैं ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान में नहीं है, but अगर आप सिर्फ एक क्रिकेट मैच को ही देख लें कि what they tend to do when they lose a match, तो I think extremism थोड़ा ज़्यादा है। लोगों के घर जला रहे हैं, पुतले बना के जला रहे हैं, तो I think वो थोड़ा ज़्यादा है। अब धोनी वर्ल्ड कप हार गया तो उसके घर के आगे सिक्योरिटी पहले से मौजूद है, तो आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा। मैंने कहा ना, ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी, आप जाहिलों से फिर भी थोड़ी सी समझदारी की उम्मीद रख सकते हो, लेकिन ये उनसे भी बड़े जाहिल होते हैं। MS धोनी सेलिब्रिटी है, उसके घर पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहेंगे तो फिर क्या तुम्हारे घर पे रहेंगे? सिक्योरिटी गार्ड हर सेलिब्रिटी के घर पे होते हैं, ठीक है, सुरक्षा के लिए होते हैं वो। समझ गया। हमारा जो CPEC बन रहा है चाइना के साथ, तो वो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो CPEC है वो रुक जाए और हमारे चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं वो खराब हो जाए। अच्छा, मैं दरअसल काफी न्यूज चैनल फॉलो करता हूँ, तो मैं अक्सर ये चीज नोट करता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबा रहे हैं। जा पूछ क्या? जैसे हिजाब का मसला हुआ, वहाँ की औरतें लड़ी हिजाब के लिए, वो हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो IAS ऑफिसर आए थे फाइटर, उनको हमने बॉर्डर क्रॉस करवाया, हमने करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, उन्होंने बदले में पुलवामा अटैक करा लिया। बेटा पेट्रोल की लाइन में लग, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। गजब बेइज्जती है। इंडिया की तो तुम बात किया ही मत करो। ओके नंगो, अपनी हैसियत देखो, बांग्लादेश से कंपेयर किया करो अपने आप को, वो भी तुम्हारा पापा बन गया इकोनॉमी के मामले में। इंडिया से तो तुम्हारा कंपेयर बनता ही नहीं है। समझ में आया? हमारी टक्कर है चाइना के साथ में, तुम जैसे भूखे नंगों से कौन लड़ेगा? तुमको मोहब्बत की राह हमवार करनी हो, ये हमें वाइब्स भी नहीं आ रही, कैसा हो सके? हमारी तरफ से बहुत कोशिश हुई, इमरान खान साहब के दौर में भी हुई, जो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवा के जो सारे काम किए, लेकिन वहाँ से कोई भी ऐसी कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो इन्होंने भाई साहब बॉर्डर क्रॉस करवा के बहुत सारे काम करवाए, तो भाई मेरी बात सुन, तो ये भी तो हम कहते हैं कि तुम बॉर्डर क्रॉस करवा के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाते हो। ये तो हम भारत की सरकार, हम भारतीय हमेशा से बोलते हैं, कम से कम एक सच्चा पाकिस्तानी तो मिला जो मान रहा है कि हमने क्रॉस बॉर्डर करवा के बहुत से काम करवाए। तुमसे ना हो पाएगा। मगर क्यों? हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अब आप मिलिए एक सच्चे पाकिस्तानी से जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए दर्द है। चलो चलो चलो, बेशर्म लोगों, आटे के लिए लाइनों में मर कर मर रहे। और तुम लोग बेशर्म, तुम्हारे अंदर इतनी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा ही है, पाकिस्तान के दो फिटे मुंह तुम्हारे ऊपर कि तुम पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करके आज लोग तुम बाहर चले गए हो, बेशर्मो कि तुम पाकिस्तान के ऊपर सारी जिंदगी तुम लोगों ने हुकूमत की है, प्रोटोकॉल लिए हैं, जिधर जाओ तुम लोगों को इज्जत हो, और आज लोग जब तुम रिटायर्ड हुए तो पाकिस्तान के बाहर चलो, ये कौन सा कानून है? मेरी तो समझ से बाहर है यार, खुदा को खौफ करो यार, सारी जिंदगी तुम पाकिस्तान में रहे हो, सारी जिंदगी पाकिस्तान में खाया पिया और तुम बाहर चले गए हो एट द एंड जब रिटायर हो, तो खुदा की कसम अजीब लोग है मेरी समझ। के लोग भी कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ हम तल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते, तो क्या इंडिया को हमारे साथ करना चाहता है? इंडिया को हमारे साथ कौन सी जरूरत पड़ी है? हम बेकारी कौम है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के तहत, ठीक है, तो बेकारियों के साथ कौन करता है? ठीक है, वीडियो आपने पूरा देख ही लिया है, अब आखिरी रस्म बची है कमेंट की, वो आप पूरी कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने का मूड हो तो लाइक भी कर देना। ठीक है, और शेयर करने पे अगर आपको दिल की खुशी मिलती है तो शेयर भी कर देना। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक में से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।